दोस्तों जीके का पांच जो सवाल आपकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सभी बीमारियों के बारे में बताई गई है आप लोगों को बचाव के लिए। तो चलिए शुरू दोस्तों कर देते हैं। सवाल नंबर एक, भैंस का दूध पीने से क्या फायदा मिलता है? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि आप तक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है हड्डी मजबूत रहता है बुढ़ापे तक, इसीलिए भैंस का दूध जो है वो पीना चाहिए। और मांस भी मजबूत रहता है, दांत भी मजबूत रहता है, जितनी शरीर की हड्डियां भी है वो बिल्कुल मजबूत हो जाती है भैंस का दूध पीने से। सवाल नंबर दो, कांचा केला के सब्जी खाने से क्या फायदा मिलता है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है खून में कभी कैंसर नहीं होता है, इसीलिए जो है वो कच्चा केला का सब्जी खूब खाना चाहिए सीजन में। दोस्तों मैं 20 बार कहता हूँ कि कच्चा केला का सब्जी खाइए और कैंसर के रोग दूर भगाइए। सवाल नंबर तीन, भिंडी की सब्जी को किस मौसम में खाना चाहिए ज़्यादा कि शरीर ठंडा रहे और लकवा की और फालिस की बीमारी न हो? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है गर्मी के मौसम में भिंडी की सब्जी और भात खाना चाहिए कि खूब शरीर ठंडा हो जाए और पेट भी साफ हो जाए, तो स्वस्थ शरीर तुरंत रहता है और आराम देह में मिलता है। सवाल नंबर चार, सूखा खाने से क्यों पेट दर्द करने लगता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है सूखा नारियल में मिश्री या चीनी नहीं मिलाकर खाने के कारण पेट दर्द करने लगता है, इसीलिए सूखा नारियल में मिश्री या चीनी मिला करके खाएं कि पेट बिल्कुल दर्द ना करें। दोस्तों सवाल नंबर पाँच, कमजोर लोगों को दूध में क्या मिलाकर खाना चाहिए और पीना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर खाना चाहिए कि दूध पचे और थोड़ा सा उसमें चीनी डाल देना चाहिए कि दूध खूब आसानी से पचे और सेहत भी बन जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर दें।